और मनरेगा रोजगार प्राप्ति मजदूर यूनियन की ओर से मनरेगा ऑफिस फजालिका का घेराव किया गया और इस दौरान लोगों ने मनरेगा जीआरएस और एपीओ को उनके दफ्तर में बंद कर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं मनरेगा मजदूर यूनियन के नेता नरेंद्र ढाबा ने कहा कि कुछ समय पहले मनरेगा ऑफिस फजालिका के जीआरएस और एपीओ द्वारा पार्टीबाजी करते हुए मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया गया, जिसके चलते उनकी ओर से डीसी फजालिका को मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद डीसी फजालिका द्वारा आश्वासन दिया गया था और इसके बाद जब उनकी ओर से डीसी फजालिका के खिलाफ पुतला फूंका और प्रदर्शन किया का ऐलान किया गया, तब जाकर डीसी फजालिका के आदेश पर स्तंभित जीआरएस और एपीओ पर कार्रवाई करने की बात कही गई। तो कोई ऑफिशियल लेटर प्राप्त नहीं हुई है, इन्होंने उसे शिकायत भी दी थी एडीसी दफ्तर जमा कराई, पर उसमें तो ये कोई लेटर इशू नहीं हुआ उस रिगार्डिंग। तो उन्होंने मतलब वीडियो साहब ने एक लेटर दी गई है जिसे लिखा गया भी थोड़ी मतलब बदली करवा दी गई लेटर, पर सानू उन्हें रिगार्डिंग जो कोई भी है चिट्ठी पत्र नहीं आया कि सानू पता लगे साड़ी बदली कितने की थी कितने जाना है। नहीं, ये तो उच्च अधिकारियों का काम है, जो सानू ऑर्डर आने वे असीं की करना, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਪਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ